आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है, उस समतल के अभिलंब के दिग्गज अनुपात को ज्ञात कीजिए जो बिंदु ऋण 1, 3, 2 से गुजरता है और तलों एक्स प्लस 2y + 2z बराबर 5 और 3x + 3y + 2z बराबर 8 पर लंब है। तो दोस्तों हमें यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर हमें तीन समतल दिए गए हैं। कैसे? हमें एक समतल ज्ञात करना है जो किसी बिंदु से होकर गुजरता है तथा अन्य दो समतलों पर लंब है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? तो हम देखिए, सबसे पहले एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालेंगे। तो बिंदु, सबसे पहले हमें दिया गया है कि बिंदु ऋण 1, 3, 2 से, तो इससे गुजरने वाले समतल का समीकरण, इससे गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a गुणा x ऋण x1 धन b गुणा y ऋण y1 धन c गुणा z ऋण z1 बराबर 0, जहां a, b और c इस समतल के दिग्गज अनुपात हैं। तो ये क्या हो जाएगा? a गुणा x ऋण ऋण 1 धन b गुणा y ऋण 3 धन c गुणा z ऋण 2। ये कहाँ से आया दोस्तों? क्योंकि ये x1, y1 और z1, ये जो बिंदु दिए गए हैं वही होंगे x1, y1 और z1, इनका मान रख देंगे। तो यहाँ से a गुणा x धन 1 धन b गुणा y ऋण 3 धन c गुणा z ऋण 2, ये आ गया z ऋण 2 बराबर 0। ये हो गया हमारा समतल का समीकरण एक। अब चूंकि समतल एक, चूंकि हमें क्या बोला गया है प्रश्न में, समतल एक, ये जो समतल एक है अन्य दो समतलों पर, अन्य समतलों पर लंब है। वो क्या है? समतल एक अन्य दो समतलों पर लंब है, दो समतलों पर लंब है। तो दो समतल क्या है वो जिन पर लंब है? ये है x धन 2y + 2z बराबर 5 और ये है 3, इसे लेते समीकरण 2, समतल 2 का समीकरण, और ये 3x + 3y + 2z बराबर 8, ये हो गया समतल 3 का समीकरण। अब समतल 2 और 3 के जो दिग्गज अनुपात होंगे, चूंकि ये समतल 1 पर लंब है, तो उनके दिग्गज अनुपात का गुणनफल 0 के बराबर होगा। तो समीकरण 2 व 3 की तुलना, समीकरण 2 व 3 की तुलना किससे करेंगे? समतल के मानक समीकरण ax + by + cz - d बराबर 0 से करने पर, यहाँ से a1, b1 और c1 समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो इसके दिग्गज अनुपात क्या मिल रहे हैं? तो समतल समतल 2 की तुलना करने पे क्या मिल रहा है? a1 आ रहा है, ये आ रहा है 1, b1 आ रहा है कितना? 2, और c1 आ रहा है कितना? 2। इसी प्रकार a2 कितना आ रहा है दोस्तों? तो a2 बराबर 3, b2 बराबर 3 और c2 बराबर 2, ये आ गया। और d1 5 है और d2 बराबर 8 है, ये हो जाएगा ऋण 8 है दोस्तों, ऋण, क्योंकि ये ऋण 5 और ऋण 8 है, क्योंकि ये बाईं ओर पक्षांतर होंगे तो धन d है इसलिए, तो यहाँ से ऋण 5 और ऋण 8 होंगे d1 और d2। लेकिन इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, इनके दिग्गज अनुपातों की आवश्यकता है। तो जहाँ a1 b1 और c1 समीकरण 2 के दिग्गज अनुपात और a2 b2 और c2 समीकरण 3 के दिग्गज अनुपात है। तो चूंकि समतल एक समतलों पर अन्य दो समतलों पर क्या है? लंब है। अन्य दो समतलों पर लंब है तो क्या हो जाएगा? ये इनके दिग्गज अनुपात और समतल एक के दिग्गज अनुपात का गुणनफल क्या होगा? 0 होगा, योगफल उनका। तो a गुणा a1 धन b गुणा b1 धन c गुणा c1 बराबर 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, देखिए, ये हो जाएगा दोस्तों, a का मान कितना है ये तो हमें नहीं पता, a1 का मान कितना है? 3। तो a1 का मान कितना है? 1। a1 का मान कितना है देखिए? 1। तो ये हो जाएगा a धन b 2 गुणा b धन c1 का मान कितना है? 2। तो ये 2c बराबर 0, ये आ गया समीकरण नंबर 4। और इसी प्रकार a गुणा 3 यानी 3a धन 3b धन 2c बराबर 0, यहाँ आ गया समीकरण 5। तो अब यहाँ से दो समीकरण मिल गया, 4 और 5 को हल कर देंगे। तो समीकरण 4 व 5
व पांच को, समीकरण चार व पांच को किससे, समीकरण चार व पांच को वज्र गुणन से, किससे, वज्र गुणन से हल करने पर, वज्र गुणन से हल करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों ए, अब देखिए वज्र गुणन से हल करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ए बटा, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 और 3 गुणा ऋण 3 गुणा 2, तो ए बटा 2 गुणा 2 ऋण 3 गुणा 2 बराबर ऋण बी बटा। अब क्या करेंगे, तो अब हो जाएगा 1 गुणा 2 और यहाँ से 3 गुणा 2, तो 1 गुणा 2 ऋण 3 गुणा 2 बराबर सी बटा 3 गुणा 1 और 3 गुणा 2, तो सी बटा 1 गुणा 3 ऋण 3 गुणा 2 बराबर के, के मान लेते हैं जहाँ के कोई अक्षर है, तो यहाँ से ए बटा 2 दूनी 4 ऋण 6 बराबर ऋण बी बटा 2 ऋण 6 और सी बटा 3 ऋण 6 बराबर के। तो यहाँ से ए बराबर क्या आएगा, ए बटा ऋण 2, ऋण बी बटा ऋण 4 और सी बटा ऋण 3 बराबर के। तो यहाँ से देखिए ऋण ऋण कट गया, ये तो ए का मान आ रहा है ऋण 2 के, बी का मान आ रहा है 4 के और सी का मान आ रहा है ऋण 3 के। तो ये यहाँ के का मान हमें नहीं पता है दोस्तों, इसलिए पहले इन्हें समीकरण एक में रख कर हम समीकरण निकाल लेते हैं हमारे समतल का और फिर उसके द्विगुणुपात निकालेंगे। तो देखिए समीकरण एक में, समीकरण एक में ए बी तथा सी के मान, सी के मान रखने पर क्या आएंगे, देखिए ये हो जाएगा समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है ए एक्स धन 1 धन बी गुणा वाई ऋण 3 धन सी गुणा जेड ऋण 2, तो ए गुणा एक्स ऋण 1 धन बी गुणा वाई धन 3 धन सी गुणा जेड ऋण 2 बराबर 0। देखिए यही था समीकरण, यहाँ एक्स धन एक है दोस्तों, ये एक्स धन एक है और ये वाई ऋण 3 है। तो अब इन्हें हल करते हैं, तो ए का मान कितना है, ऋण 2 के गुणा एक्स धन 1 फिर धन 4 के गुणा वाई ऋण 3 धन ऋण ऋण 3 के गुणा जेड ऋण 2, जेड ऋण 2 बराबर 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, ऋण ऋण के उभयनिष्ठ निकल जाएगा, क्या आएगा के, ये हो जाएगा 2 गुणा एक्स धन एक धन 4 गुणा वाई ऋण 3 ऋण 4 गुणा वाई ऋण 3 ऋण, ये क्या हो जाएगा धन धन 3 गुणा जेड ऋण 2 बराबर 0, यही होगा। तो अब इन्हें के को अब दाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 को भाग देंगे के से, तो ये हो जाएगा 2x धन 2 ऋण 4y धन 12 धन 3z ऋण 6 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 2x ऋण 4y धन 3z और 12 में 6 घटाने पर कितना आएगा, 6 2 8 धन 8 बराबर 0। तो यही हमारे अभिष्ट समतल का समीकरण होगा और इसके, इस समीकरण से हम ये बता सकते हैं कि इसके द्विगुपात है, जिसके जिसके दिक अनुपात, दिक अनुपात क्या होंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम बता सकते होंगे 2 ऋण 4 और 3, यही इसके द्विगुणुपात होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।